अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इफ्रास मेहंदी डिज़ाइन। होप यू ऑल फाइन। और आज बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। आज इस वीडियो में आप देखेंगे कि बेबी के हैंड में किस तरह डिज़ाइंस को क्रिएट करना है, बेबी को किस तरह कंट्रोल करना है। जिस तरह आज हमने किया है इसी तरह आप भी कर सकते हैं। बेबी के हाथों में मेहंदी के डिज़ाइंस बनाना दो मेथड हैं। एक तो ये आपकी बेबी अगर सो जाए तो आप उस वक्त भी डिज़ाइंस क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा ये कि आपको 3 पर्सन चाहिए, एक तो मेहंदी लगाने वाला पर्सन, दूसरा उनकी मामा, ठीक है, जिससे वो कंट्रोल हो जाए, और थर्ड ये है कि आजकल बच्चे, आप जानते हैं कि ट्रेडिशनल नहीं रहे, आजकल के बच्चे एडवांस हैं। तो हमने क्या किया, हमने एक पोएम लगा के इसे दे दिया और मोस्टली 90% इससे बच्चे कंट्रोल हो जाते हैं, पोएम की शौकीन होते हैं। अच्छा, मैंने ये भी देखा है कि अब देखे, पहले मामा को वो देख भी दिए और थोड़ा सा तंग भी कर रही थी, मूव भी कर रही थी। एक मज़े के बाद जब हम मोबाइल को रोटेट कर रहे थे, लेकिन ये बेबी मेरी है, इसका नाम मुश्क है, मेरी भांजी है, और मोबाइल को जिस तरह हम रोटेट कर रहे थे, इसकी आंखें, आई कांटेक्ट जो है बिल्कुल मोबाइल में कंटिन्यूसली थी, और थोड़ा सा नाराज़ भी हो रही थी, गुस्सा कर रही थी। आपको पता है कि बच्चे कितने क्यूट से होते हैं और कितने प्यारे होते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, मैं एक आपसे बात शेयर करना चाहूँगी कि अगर मेहंदी आप लगा रहे हैं बेबी के हैंड में, तो आप पहले चेक कर लें मेहंदी को, और इसके बाद आप देख लें कि वो ज़्यादा केमिकल कंटेन तो नहीं है, क्योंकि बेबी की स्किन जो होती है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, तो रिएक्शन करने के चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। आप पहले अपने हाथों में लगा के देख लें, अगर आपके हाथों में ज़रा सा भी इरिटेशन हो रही है, मतलब बेबी के हैंड के लिए वो हार्मफुल है, तो वो मेहंदी को आप यूज़ ना करें। और मेहंदी लगाना तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ईजी है, लेकिन बच्चों के हाथों में लगाना थोड़ा सा मुश्किल इसलिए लगता है कि इतनी फिनिशिंग से नहीं लगती है, लेकिन जितनी भी लगी बहुत खूबसूरत। यहाँ तंग कर रही है ये कि मोबाइल मुझे मेरे हाथों में दे दो। तो बच्चे मूव भी करते हैं तो इतनी फिनिशिंग से नहीं लगती है, लेकिन ये है कि ईद में सब मदर को यही चाहिए होता है कि मेरी बेबी के हाथों में भी डिज़ाइंस लगे। और जो लड़कियाँ, मुझे पता है कमेंट में कहेंगी कि इतने छोटे बच्चों के हाथ में डिज़ाइंस नहीं बनानी चाहिए, तो मुझे मालूम है नहीं बनानी चाहिए, लेकिन अगर आपकी मेहंदी अच्छी है, सेफ़ है, तो आप बना सकते हैं, डिज़ाइंस को क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपकी कोन ज़्यादा केमिकल कंटेन है तो काइंडली आप यूज़ ना करें। इससे पहले भी हमने बनाई है, ये 9 मंथ की है और यहाँ बहुत तंग कर रही है ये कि मुझे छोड़ दो, मेरे हाथों को छोड़ दो, और ये इसे हम हंसा रहे थे। एक बंदे मेहंदी लगाने वाला होना चाहिए, दूसरा उसकी मामा, जिससे वो कंट्रोल हो जाए, थर्ड ये है कि इसके एंटरटेनमेंट करवाने के लिए एक और पर्सन होना चाहिए। तो हम इसे एंटरटेनमेंट भी करवा रहे थे, इसे मोबाइल भी दिए हुए थे, और मैं डिज़ाइंस बना रही थी इसके हाथों में, सॉरी आर्म में बना रही थी, और फाइनली यहाँ लग चुकी है कंप्लीट। और मामा के हैंड पे भी जो डिज़ाइंस लगी हुई है, तो अगर आपको ये डिज़ाइंस की ट्यूटोरियल चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और फाइनली इसके हाथों में मोबाइल आ चुका है और ये बिल्कुल रिलैक्स हो चुकी है। तो अब हम आपको दिखाएंगे इसे हैंड वॉश किस तरह करना है और इसे फिर ड्राई कर लें। इसके बाद फाइनली ये लग चुकी हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। अब मुझे इजाज़त, अपना और सबका बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।